नमस्कार छात्रों, हर वर्ष समाप्त होने पर हम एक नए वर्ष का अभिनंदन करते हैं। हम सबके भीतर एक नवीन उत्साह दिखाई देता है। चलिए आज के इस पाठ में हम नव वर्ष के इसी उत्साह की चर्चा करेंगे। दिसंबर का महीना समाप्त हो गया है। प्रत्येक जनवरी अपने साथ एक नव वर्ष लेकर आता है। जनवरी मास का सब दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। चारों ओर वातावरण में एक जोश तथा उत्साह है। बाजार सजने लगे हैं। लोग बड़े बड़े मॉल तथा बाजारों में जाकर घर के लिए अनेक प्रकार का सामान खरीद कर ला रहे हैं। बड़े दुकानदार अपनी दुकानों में खूब माल या सामान भर रहे हैं। कोई कॉल करके सबका हाल पूछ रहा है तो किसी ने विशेष कार्यक्रम के लिए हॉल का प्रबंध किया है। काल कैसे बीत रहा है इसकी खबर न तो जॉन को है, न रमेश को और न ही वासिम को। सब जी जान से जनवरी के कार्यक्रमों की तैयारी में लगे हैं। वर्ष पर मेरे चाचा ने मुझे भारत से एक सुंदर शॉल तथा शाल या साल वृक्ष की एक पेंटिंग भेजी है। पेंटिंग में एक बच्चा बॉल से खेल रहा है तथा उसके पास खड़ी महिला के बाल लंबे तथा सुंदर हैं। मैं यह सुंदर पेंटिंग नव वर्ष के अवसर पर अपने कमरे में लगाऊंगी। नव वर्ष की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सब लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। नव वर्ष पर सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। सब कहते हैं नव वर्ष अभिनंदन।
आइए पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। नवीन अर्थात नया या नूतन, उत्साह अर्थात जोश या उमंग, शाल या साल वृक्ष, ठंडे तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगने वाला एक ऊंचा वृक्ष, शुभकामनाएं अर्थात मंगल कामनाएं, अभिनंदन स्वागत। आइए इन शब्दों से बने वाक्यों को सुनते हैं। नवीन, सरकार देश की प्रगति के लिए नवीन योजनाएं बना रही है। उत्साह, नौका दौड़ में सबने उत्साह से भाग लिया। शाल या साल वृक्ष, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में शाल या साल वृक्ष देखने को मिलते हैं। शुभकामनाएं, मेरी बहन के विवाह के अवसर पर सब ने उसे शुभकामनाएं दी। अभिनंदन, मित्र के जन्मदिन पर मैंने उसे जन्मदिन अभिनंदन कार्ड भेजा। प्रिय छात्रों, आपने इस पाठ में कुछ मिलते जुलते शब्दों के प्रयोग को देखा होगा। आइए इनके अर्थ तथा वाक्य में उनके प्रयोग द्वारा उन शब्दों के अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। मॉल, खरीदारी का बड़ा केंद्र। माल अर्थात सामान। बॉल अर्थात गेंद। बाल अर्थात केश। कॉल अर्थात बुलाना। काल अर्थात वक्त, समय या मृत्यु। शॉल, ओढ़ने का गरम कपड़ा। शाल अर्थात एक वृक्ष का नाम। जॉन अर्थात पुरुष का नाम। जान अर्थात प्राण। हॉल अर्थात एक बड़ा कमरा। हाल अर्थात दशा। मैंने उत्तर प्रांत के मॉल में जाकर नव वर्ष की ढेर सारी खरीदारी की। कोरोना के कारण दुकान में नया माल नहीं आ पाया। इस मॉल में नया माल आया है। सचिन बॉल से खेलना पसंद करता है। मेरी बहन के बाल छोटे हैं। पति को महंगी बॉल उपहार में देने के लिए उसने अपने सुंदर तथा लंबे बाल बेच दिए। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर को जल्दी कॉल करो। भयंकर बीमारी के कारण उसका काल नजदीक दिख रहा था। यह दुर्घटना उसके लिए काल बनकर आ गई। वह अपनी माँ को कॉल भी नहीं कर सका। मुझे कश्मीरी शॉल पसंद है। कश्मीर में शाल या साल वृक्षों की सुंदरता देखते ही बनती है। इस ठंड में शॉल पहनकर शाल वृक्षों पर पड़ी बर्फ को देखने का मजा ही कुछ और था। कल जॉन और मरियम का विवाह चर्च में होगा। मैं
अपनी मातृभूमि के लिए जान भी दे सकती हूँ। मरियम अपने पति जॉन को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। कॉलेज के बड़े हॉल में हमारा विदाई समारोह था। मैंने फोन पर उसका हाल मालूम किया। उसका विवाह एक होटल के हॉल में हुआ था। मेरे मित्र ने मुझे फोन पर सब हाल सुनाया। आशा है कि आप इन शब्दों के अर्थों में विभिन्नता तथा उनके प्रयोग को समझ पाए होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।